नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध टेलीविजन पर कार्यक्रम लेके अगली राज ऐसे कैमरा पर्सन माधव के साथ में ये कार्यक्रम आप ऐसे हर एक सोम के ऐसे हर एक मंगल के और हर एक बुध के इतने समय से देख सकल ते ई कार्यक्रम में हमरे हमन की समाज के जोन कौन भी प्रतिभा हमरे दिखाए कोशिश कर जात और साथ में जाके हमन के समाज के विकृति विसंगति कैसे हट सके ओके हमरे कैसे निर्मूल कर सके और साथ में हमरे के कौन भी संस्था बा वहाँ ढेरा सुस्ती बातें ओके हमरे कैसे निर्मूल कर सके कल के मतलब कि हमन के समाज असल बनाए खातिर हमरे का करे पड़ी इस संबंध में हमरे चर्चा कर जात और इतने भरना हो कि हमरे कोनो भी विषय में ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति से वहाँ के विचार आदान प्रदान कर जात ते आज हमरे अतिथि के न्यौता थे हमने के राष्ट्रीय गायक की हमरे चिन्हल जात जोन की इतना गरी एकदम हमरे कहा जा जल्दो बल्दो अवस्था में हमरे पाक सकल जी और हमने के ओसे कहा जाते नेपाल में तमाने गायक कार बाटी अपने के कितना जोन गायक कार बाटी हम राष्ट्रीय गायक होली कही के चिन्हाए खोजने बकिन का हमरे वैसे थे सबसे पहले थे ऑडियंस ऊपर भर पड़त कि राष्ट्रीय हो और के स्थानीय कह के अते ऐसे आज हमरे वहाँ के मुखरा बिंदु से तमाने गीत सुनक पाल जी वहाँ संगरी हमरे बातचीत कर जी और आप भी संगरी साथ रह जी ए कार्यक्रम अवधि भर और कार्यक्रम में हमरे आज न्यौता धर गिल बा सीताराम चौधरी हमर लग बाटे और आप भी संगरी साथ रह जी कार्यक्रम में हमरे आपके स्वागत कर जत बा। नमस्कार। अति वैसे आपके आज फिर हमरे न्यौता धर गिल बा अति वैसे हमन के समय अनुसार जोन समय अनुसार अब हमन के गीत कहा जा या संगीत कहा जा हर एक चीज़ हमन के परिवर्तन होती जात बा ते आप के ढेर वर्ष हो चुकल जौन ई गीत संगीत में लागल के यानी कि ज्ञान क्षेत्र में लागल के ते वैसे इससे पहले भी आप चर्चा कह चुकल बाटी ते वैसे आपके एक चेतनामूलक गायकार के जौन हमन के ऑडियंस बाटे उ सब चिन्हने ते काहे ये जोन चेतनामूलक गीत में लागल गेल आजकल देखल जाते जो नए नए गायकार बाटे करे ते आधुनिक गीत में लागल बाटी बगिन का आप विशेष कह के समर के गीत ते आप गाल गिल बगिन का विशेष कह के इकाहे चेतना मूलक गीत और ध्यान जात आपके काहे से कि अब हम सब दर्शकन श्रोतन के का कहे चाहते कि जैसे का खना हमन के जतना का कार बाटना कहे परल मेची से महाकाल तक के अब जतना हम भिजुअल देखाटी वीडियो देखाटी कहे परल सब आधुनिक बा और वह मकावा के जैसे लव संग लव संग हम तोर बिना मर जाब तोर बिना हाई करब हव करब ई शब्द कहल के कोनो कहना एकदम मदद शब्द तो नहीं बा कहना कोनो थी उतना गहराई नहीं बा खासे ई तो चाहे जठो लेको भी कैसा काला वही मारे ये कुल शब्द जोड़ जोड़ के मैंने गीत गाटा ये कुल तनी नहीं ठीक लाता वही मारे हम ई का सोचले कि अलग क्षेत्र जैसे कहना एस एल सी पास के लेना मन नहीं तब रास्ता चुनाना कोनो विज्ञान पढ़ात कोनो भूगोल पढ़ात अनेक किस्म के पढ़ाना कोनो कहना जैसे पढ़ाइए हर किस्म के वैसे ही हम सोचली कि जैसे सब जहाँ लव संग गाटा तो हमू का लव संग के पाछे दगोरी हमार चेतना मूलक रहे हमन के संस्कृति जो गहना मेर के रहे वही मारे हम संस्कृति के तरफ कहना ढेर माने फोर्स के लेटी तो वैसे हमने कहा जी कि जो तुम्हारे गायकार बाटे ओकरे अपने आप के का सोचने कि हम कैसे फेमस हो के सोचने बगिन का ओखन के सोचना रहत कि हमन के जो समाज बा हम ऐसा गीत गाब ते हमन के समाज में बड़ी असर पड़े समाज गंदा हो या बढ़िया हो के सो नहीं सोचने बगिन का एक आपके सोच बा कि हम ऐसा गीत गाब ते हमन के असर सभी समाज के निर्माण हो सके आपने एक सोच बा जिनके हमें दर्शक बाटे श्रोता बाटे उस सब आप में पहले बाटे और आप के साथ आज हमरे भी पाल गिल बा ते खुशी के बाद बा आपकी हमरे बधाई भी दहल जी ऐसे शुभकामना भी दहक दहल जात बा ते वैसे सबसे पहले जो है आपके शुरुआत से आज तक लगभग कितना गीत गाल गिल वैसे ते चेतना मूलक गीत हमार रहे पहले का खाना दारू पी के सताई बा पहले शुरू गेले रही कहना मतलब लिखले रही तई थारू बगे फिल्म में डाल देना मजाक बा कह के खुशी लागल ऐसी चेतनामूलक गीत और ढेर ढेर मैंने हम गैल हई गा चुकल हई सुनैली वैसे तो रिकॉर्डिंग कौन होला कौन होला लेडीज गीत भी बा तो लेडीज गीत अब हमें गा के नहीं बनी वही नाते का खाना लेडीज गीतियो बा जैसे बड़किया त्यौहार आता हमन के बिहान पर्व में लगभग दो तीन दिन में आए वाला बा बड़किया त्यौहार हाँ तो बड़किया त्यौहार के बारे में चेतनामूलक गीत हम बनैल हई उहो गीत लगभग
का खना हमन के जो विकृति जोन बा विकृति संगति एक हटाए न मेरे के गीत बसा हते ओइसे हमन के कहल जा कि जोन अब केतना जोन गाकर बाटी ओकरे कौन महीना में का कैसन चाट पर बा ओकर बारे में कुछ ध्यान नहीं देने कल के मतलब खन के एक चेतना के हमरे कमी कह सकल जी और साथ में जाके कौन भी महीना होए ओकरे महीना से मतलब न रख के और हमरे हमन के समाज कहां तक जाता जिसे आजकल हमरे कहल जी कि आज 21वीं शताब्दी कंप्यूटर युग को हो ते हमरे समय अनुसार चल सके पर अब कितना जोन व्यक्ति बाटे नेपाल में अब लाखों व्यक्ति जोन बाटे डिग्री के सर्टिफिकेट लेके घूमत बाटे बकिन का ओखन में एक ठू शिक्षा ते बा बकिन का ज्ञान नहीं बा ओकरे शिक्षित बाटे बकिन का ओकरे ज्ञानी बाटे के हमरे कह नहीं सकल जिसने नेपाल में तमाने गायकार बाटे अपने आप के सब जने अब एक ठू गीत गई हैं राष्ट्रीय गायकार होने के घोषणा कर दी हैं ते एक ठू हमने के गजब के बात बा बकिन का सबसे पहले ते हम कैसन गीत गायक परी ते हमन के असल सभ्य समाज के निर्माण हुए और हमारे गीत जोन बा ते हमन के घर में भी जोन परिवार बाटे मातारी बा बाटे बहन बाटे वो सब सुने सका लायक कह के ना सोच के कि हमारे गीत अब फेमस हो गया उस हिसाब से जो गाने थे हमारे किस समाज की विकृति हो बकिन का आप में एक ठू सोच के रखल गया बा ते जो बड़की अतवार जो हमारे के फिर ये महीना के जो हमारे 22 गते मलाल जी रूपंदेही लगाए हमारे के कपिल वस्तु कहा जा नौलपरासी में धूमधाम के साथ पश्चिम बेल्ट में थे अटवारी पर्व के मना चुकल बाटी और हमारे के जो आवला अतवार के बड़के अतवार के हमारे मलाल जी अपन जो घर के जो बाटी दीदी बहन के बोला के मलाल जी तेकर संबंध में जो कहल गया चित्रमूलक गीत सुना सकल जी हाँ थोड़ी के सुनाब जैसे कि कहा था कि जैसे बड़की अतवार हमारे भूखा लाली बड़की अतवार भूखे मतलब जैसे कहा हो कि मैंने कहा बड़की अतवार भूखटी चीनी रोटी खा लाली तमन के त्यौहार और आगे कहना बाकी अतने भनाई हो बड़की अतवार के बहुत बड़ी महत्व बा और कहना उद्देश्य बा बुझे जरूरी बा जैसे बड़की अतवार माना जाली हमारे ते गोल रोटी पकाकर चाहिए खास आजकल तो अब फैशन आ गया कोनो काट के चार कोना कोनो पाँच कोना तीन कोना बना देना लेकिन ऐसा नहीं बनेना हो खास करके बड़की अतवार करके हमारे सूर्य भगवान के पूजा कर जाली तो सूर्य भगवान तो गोल बाटा गोल तो वही न तो रोटी कहल के गोले बनाएल जाला पहले मने गोले बनावा तो वही मारे रोटी कहल के गोले बना के चाहिए और चीनी रोटी खा जाली अब बिहान उठ पारण कर जाली जब पारण कर जाली तब जैसे भीम के उदाहरण देना कि मने इतना बड़ी रोटी रहे कि भीम गेल हाँ उल्टा है तो वो रोटिया उल्टा नहीं सका था गाँव भर जाके उल्टू ना कह के तब के खड़ा कोड़ चल गया कह कहा था कहा मैंने अभी ते अब कैसन हो मैंने कहा कहावत हो कहानी हो बाकी मैंने जैसे हम कहा कहली मैंने जैसे कहा चाहती कि सब दीदी बहनी के जितने बड़के अतवार माना और गोल रोटी पकावा और चीनी रोटी खावा मीठ मीठ कहल कहल के मतलब कि मीठ बोलल जाए हमरे और गोल कहल के मतलब सब जाना हमरे एक परिवार एक एकजुट रह जाए गोल में जैसे रहल जा कह के छिछी लेदर न रह जा कह के कहल के मतलब गोल के अब सूर्य के अथी जैसे यहाँ पर पूजा कर जाली वैसे मैंने सूर्य भगवान की मेरे पूजा कर जा और गोल रोटी पका के खाल जा कह के तब जैसे एठो गीतियों हम रचल हैं वैसे ही बा चेतना मूलक गीत हो गंगा नहैली सूरज मनैली गंगा नहैली सूरज मनैली भूखली हमें बड़की अतवार सखी हमर तबो मिलल मधुआ भतार हो सखी हमर तबो मिलल मधुआ भतार गंगा नहैली सूरज मनैली भूखली हमें बड़की अतवार सखी हमर तबो मिलल मधुआ भतार हो सखी हमर तबो मिलल मधुआ भतार अपने ते होटलिया में दारू पी के आए खाए के नहीं घर में बा हमें के सताए खेत बारी बेचल तनी को न सोचल खेत बारी बेचल तनी को न सोचल कैलस नहीं तनी को विचार सखी हमर तबो मिलल मधुआ भतार ऐसी बात सर हाँ ते आप एकदम बढ़िया जो हमारे की चित्रमूलक गीत जो कि बड़की अतवार के बारे में सुनाल गया ते वैसे हमारे कहा जा कि जो कविता तमाने मन के कवि हो सकी हैं लिखले हुई हैं बकिन का ऐसा जो कौन भी सिंगर हमारे गायकर कहा जीते पहला दफे हम अपन कान से सुने के पाते हैं खुशी के बात बा और इसे हमारे के आपके धन्यवाद देख जा जाता बात इसे हमने के इतना गरीब देखा जाता
कार्यक्रम संस्कृति सरोवर बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर ऐसे हमन के कैमरा में बाटे हमन के माधव बाटे और साथ में हम संचालक राज और हमन के राष्ट्रीय गायक हमन के बाटे सीताराम चौधरी ते ऐसे हमन के ई कार्यक्रम अधिवर अभी संग्री साथ रहल जी ते ऐसे हमन के जो हर एक चाड़ पर्व विशेष कह के जो चाड़ पर्व में सीमित रखल गया बा ते ऐसे हमारे आप एक मंच से भी तमाने चित्रमूलक गीत गाल गल ते ऐसे जो ये गीत बा और एक साथ में कैसन किसन गीत रचना कल गई बात अब जैसन बाकी सर समय अनुसार के अब कितना गायकार बाटा अब माघ आयल तब लव संग फागुन आयल तब लव संग हर एक महीना में कहे पर लभे संग आटा तो हम का सोचली कि जैसे महीना अनुसार के हम फेसबुक में भी मैंने जैसे अब का खाना मैसेंजर में हमारे सहरियन के गा के मैंने पठा दिली जैसन जैसन चाड़ पर्व तो ऐसे कृष्णा के जैसे अष्टमी आल अष्टमी के बारे में गईली बड़किया त्यौहार आल तो बड़किया त्यौहार के बारे में गईली जैसे अब सावन में आत तो सावन के बारे में गाल जाली जैसे सावनी पूजा के वह कुल के हर एक किस्म के हम गीत गाए सर अब फगुओ गीत गाइले हई हाँ तो हमन के जो है समाज के विकृति भी संगति बा हमन के गीत से भी प्रभाव पारे सक कैसे हमन के व्यक्ति जो रहने की महतारी के कोख से जन्मते ओखन के गीत संगीत आवश्यक रहता हमन के लड़का के भी कैसे हमन के अब जो छोट बच्चा रहने ओकरे कुछ नहीं बुझाने और जन्मते बिलम बढ़िया से नहीं देखाने तब पर भी एक महतारी जो रहने और अम्बेजिशन जो स्तन पान करा के एक लोरी सुना के उखान के सुताने हमन के देखे पाल जाता और हमरे भी भोगल गिला ही सब जने भोगी हैं टू मानव सब जने भोगी हैं ते हमन के गीत संगीत सबके आवश्यक बात इतने होर कि हमन के उम्र अनुसार के गीत फरक रहते ते उसे जो न एक माया प्रेम के गीत कहल गिले यानी कि लव सॉन्ग हमरे कहल जी ते एमा भी एक कोनो सुने वाला रहत कोनो सुने सकना आपात से शब्द पर कहल रहते कोनो भी भाषा में जिसे अक्सर कह के हमन के भोजपुरी कहा जाए या नेपाली कहा जाए या थारू भाषा कहा जाए बाकी इनका कितना जो शब्द रहत कि आपात से रहत जिसे हमारे भर के जो तीज उरवाल गिल मनाल गिल तेम भी कितना आपात से शब्द रहे और थारू के जो कितना गीत बा आपात से शब्द बा और एक साथ में जो भोजपुरी निकल बाटे उमें भी आपात से बा ते सबसे पहले तो हमन के कैसन हो कि एटू समाज में कौन मेरे के गीत गैले से कौन भी भाषा के गीत रहे एटू भाषा काल के माध्यम हो नेपाली भोजपुरी हो या थारू हो या इंग्लिश के माध्यम हो बाकी इनका उमा हमन के आपात से न रहे समाज पचास सके और हमन के एक कर्तव्य भी हो हमन के युवा लोगन के कैसन गीत गैले पर हमन के समाज बढ़िया हो सके हाँ तेकर साथ में जो लव सॉन्ग यानी कि माय प्रीति के जो गीत कहल गिल एक सुना सकल जी हाँ सर अब जैसे कहीं कि कहत हुई कि खाली झुमड़े भर गात लव से वाला नहीं गाते जैसे हम लव वाला गीत मैंने गए हैं लव संग बा जोड़ी बा कहे पर वो हम हमारे लिखल गीत हो रंजीत सर विजुअल भी कैला एठो गैला रंजीत सर वहाँ कबल वस्तु के दुई गीत एठो नया गीत रिकॉर्डिंग होने सर भी अनु रंजीत की आवाज़ में बा हमारे लिखल गीत हो थोड़ी के सुना चाहते हो जब से नैना लड़ल बा ये गोरी हो जब से नैना लड़ल बा ये गोरी एक राय हो गईल बा चैना जब से उड़ल बा ये सजनी हो चैना जब से उड़ल बा ये सजनी हमके प्यार हो गईल बा हमके प्यार हो गईल बा हो जब से चैना उड़ल बा ये सजना हो जब से चैना उड़ल बा ये बलमा एक राय हो गईल बा हो जब से चैना उड़ल बा ये सजना हमके प्यार हो गईल बा हो हमके प्यार हो गईल बा ऐसी बात हाँ तो ऐसे मन के कहा जा जो कि वर्ष में तमाने चाड़ पर्व रहते और ऐसे मन के जो हिंदू लोगन के अक्सर कह के हमन के ये नाग पंचमी से शुरुआत होते नाग पंचमी में मनाल गए ओकर बाद में हमन के रक्षाबंधन और साथ में हमन के बड़का त्यौहार कहल जा ऐसे हमन के हरितालिका तीज भी हमने मना चुकल बाटी और एक साथ में अब हमन के दसई आदबा ऐसे हमन के अमावसा और जिला में जो सोराई जो कहने बड़की अमावसा यानी कि दीपावली कहल जा ओकर बाद में हमन के जो तमारे इसे चाड़ पर्व मनाते कि बेर में जो माघी पर्व कहल जा और हमन के फगुआ ते ऐसे पर्व के बारे में फिर हमन के कोनो गीत ऐसा रचना कर लेल बा हां सर दसई गीत बा जैसे दुर्गा लाना जाले हमरे गांव गांव हां त दुर्गा माता के जैसे
सुन रोती हम कहे पर था झुमड़े हो सा यह मैंने का खाना थी रिकॉर्डिंग करे वाला बाटी हम झुमड़े गीत हो दुर्गा माँ के गीत हो तरीके सुना तो वैसे हमने इतना गरी देखा जाता बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और कार्यक्रम के साथ बैठी हम संचालक राज और हमारे के कैमरा पर्सन माधव के साथ में ऐसे हमारे के साथ बैठी आज के अतिथि राष्ट्रीय गायक सीताराम चौधरी बैठे ते हमरे वहाँ से लेके आज बातचीत कर जाता ते शुरुआत कर जा अच्छा कहाँ कहाँ देवी हो तोरे जन्म भये हो कहाँ देवी हो तोरे जन्म भये हो कहाँ वाली हलाया से थाने हो माई दहीने दयाले कहाँ वाली हलाया से थाने हो माई दहीने दयाले हिंगाला देवी हो तोरे जन्म भये हो हिंगाला देवी हो तोरे जन्म भये हो पाटन लिहे से थाने हो माई दहीने दयाले पाटन लिहे से थाने हो माई दहीने दयाले केथुआ न के माई ओढ़ना बिछौना केथुआ न के हो माई ओढ़ना बिछौना केथुआ न लगे सिरहानी हो माई दहीने दयाले केथुआ न लगे सिरहानी हो माई दहीने दयाले फुलवा न के हो माई ओढ़ना बिछौना फुलवा न के हो माई ओढ़ना बिछौना लवंगे के लगे सिरहानी हो माई दहीने दयाले लवंगे के लगे सिरहानी हो माई दहीने दयाल ऐसे सर मैंने पूरा गाता ढेर समय लगे सर ऐसे हो आते उसे हमरे जोन कहा था कि जोन पहले और ज्यादा विकृति भी संगति हमारे समाज में रहे और साथ में जाके जोन पहले एक गुरुआ हमारे कहा जानी आते गुरु के ज्यादा मानत रहने आजकल ते हरा गिल बा अभी गांव गांव में बा ते आप एक झलको मने एक याद करा लगे कि हमने के छोट छोट रही थे अब कुछ होले पर ऐसा नहीं सन एक मंत्र कहा जानी हमारे सुमरावती का सुने पाल जाती बाकी आजकल के अब नया पीढ़ी के साथ में हमने के प्रविधि के बीच विकास नगरी सब हेरा जात बा अति वैसे हमारे इतना घड़ी देखा जाता बाहर कि हम संस्कृति सरोवर और बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर ऐसे ने हमें संचालक राज और हमन के कैमरा पर्सन माधव के साथ में हमन के आज के गायक हमारे काजी राष्ट्रीय गायक सीताराम चौधरी हम लग बाटे हैं थे वैसे हमन के समय अनुसार ऐसे चलते फिरते ऐसे ने कौन गीत ऐसा लगत है कि आज तक हम एकदम उ गीत जो रहत कि मन के मन में कि आपके जो एक हरदमे उ गीत मुँह पर कब गायक पाए कि हम चांस पाए कि उ गादी जिसन आपकी अभी तक आज तक के वैसन दशा जैसे चेतना मुला गीत बा नहीं है कहे पर हमें आप गीत ले जैसे चेतना मुला गीत गाय मल्ला जैसे कि अब ब्याह गीत हो आ झुमड़ा हो आ फगुआ हो हर कि हर किस्म गीत हो बाकी ने कहा जैसे में कि लागत जैसे चेतने मुलक गए जैसे लाद का तो सर चेतने मुलक गीत हमें और गीत मैंने बा बाकी चेतने मुलक गीत कब पाई कब गादी कब सुना दी कौन की ताकि वो खान के मन में मैंने कुछ चेतना जाए के यह मार चाहना सर हाँ तो वैसे हमन के एक तो कथी सोचे परी और कि जिसे आपके गीत से कहा होत कि जो ना व्यक्ति अब अपन जो उद्देश्य बाहु खान के ते कितना भुला गिल बाटी और हम कौन दुनिया में बाटी वो खान के एक तो याद करा वाला आप गीत गाल जा जिससे कि अब तमाने भी की दिवी संगति बा आते अब जिससे जो ना एक तो कितना जन काल जी की जो छोटे पर ब्याह होले से वो खान के जोड़ी न मिले से नहीं उसने भी गीत आप के मुँह से हमारे सुनिक पाल गिल बा आते वो खान की याद करा देते कि हमने के विकृति भी संगति हटाए खातिन आपके गीत एक तो याद करा देते यानी कि झजल को देत कि ऐसा हमारे विकृति हो हमारे हटाए करके के आते एक तो गीत सुना सकल जी हाँ सर जैसे कि अब झुमड़ा हुई हो मने चेतना मुला गीत हो हमन के समाज में अभिन भी घटल बाई घटना आते उसे हमरे फिर समय रहते फिर चुने उसे हमन के समय के अभाव आते अंतिम में जो न हमन के जो दर्शक बाटे ओखान के खातिर कुछ कहे चाहल जी जो बड़की अतवार के बारे में हाँ जिससे बड़की अतवार सब जन दीदी बहन के बोला के ओखान के मदद से बोला के का खाना ओखान के
जन जतना हमन के जन शक्ति बा उन सर के मन खियाल पियाल जा और जन दक्षिण हमर देहल जाली दक्षिण देके अपन चेली बेटिन की विदा कैल जा और फिर से हम का कह चाहते कि जतना कलाकार बाटा दीदी बहिन के भाई भाइन के हमन जैसे छोट छोट कलाकार बाटा हमन से हमें से बड़ी भी कलाकार बाटा ओने का कह चाहते कि समय अनुसार ये हमरे गीत गायल जा अब जैसे कि 12 महीना समय रहला अब 12 महीना लभे गायल जा अब 12 महीना झुमड़े गायल जा 12 महीना जैसे थी फगुए गायल जाता है सुहाई वही मारे हर किस्म के हमरे जैसे समय अनुसार के हमरे गीत गायल जी तो हमन के लड़का जो छोट छोट बाटा ओकरे सोचे कि हाँ ये अनुसार के हमरे गीत गायल जाल जा तो हमन के संस्कृति भी जोगी और हमन के समय के कखना उठी जैसे बुझे कि समय में ये गीत गायल जाला कहके हाँ तो वैसे आप जो कार्यक्रम में आगे आपके हृदय से धन्यवाद देख चल जात बा धन्यवाद बा हमरो जैसे बुद्धा टेलीविजन के सब परिवार के और जब प्रविधिक बाटा हमन के माधव भाई जी उन्होंने हम ढेर से ढेर काखना शुभकामना देख चाटी बढ़ के अतवार के तरफ से हमन के और जब बीतल हमन के जितना त्यौहार मतलब बीत गए दिन कहे पड़ल हमन के नागपंचमी बीतल और रक्षाबंधन बीतल और हमन के जो नेपाली चाड़ रहे तीज काल ही परसों बीतल सबके हम ढेर से ढेर शुभकामना दे चाटी जब बीत गए तो बीत गए अब से आए वाला चाड़ चाड़ पर्व मजा से मनाएल जा आते वैसे हमारे इतना घरी देखल गल हमने आज अतिथि रहने सीताराम चौधरी और वैसे हमने के जो कौन भी हमारे गीत रचना कल जा गायल जा तो सबसे पहले सोचल तो हम कौन दुनिया में बाटी और हमारे समाज के एक दायित्व हो कर्तव्य हो हमारे जिम्मेवारी बहन करे पड़ी कि कौन गीत गले से हमन के समाज में का कैसन प्रभाव पड़ी हम समाज से कैसन के बढ़िया बना सकब कह के ते वैसे एक जो दर्शक बाटें श्रोता बाटें ओखन ऊपर भर पड़त कि कैसन गा कर कहे कि ऐसे हमारे बातचीत करते विद्यालय समय हो गए बा ते आप हमारे के जो आज के अतिथि वहाँ के विशेष धन्यवाद ऐसे आप कार्यक्रम देखल गए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन एक कृति आपके धन्यवाद ऐसे देखते रह बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन ऐसे हमारे के कैमरा पर्सन माधव उनके विशेष धन्यवाद दे हम संचालक आपसे विदा होते हैं और बड़के अवतार के शुभकामना देख चाहती नमस्ते।